हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इससे पहले आप तबाही मचाए मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता देता हूँ कि बैटल 100 से लेकर 185 तक के बैटल्स मैं जल्दी अपलोड करूंगा। इस बैटल को मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस बैटल पर अटके हुए हैं। तो देखो यार, इस बैटल में जो मेन दिक्कत है ना, वो है जेड। तो इनरेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पावर जनरेशन बहुत ही ज्यादा तेज है। प्लस दिक्कत यह है कि जेसन और जेड पर आप स्पेशल अटैक यूज ही नहीं कर सकते, और जेड पे तो कॉम्बो एंडर्स को भी यूज नहीं कर सकते आप। प्लस स्कॉर्पियन और ज्यादा परेशान करने के लिए है यहाँ पे, कि जब भी आप किसी कैरेक्टर को मारने वाले रहेंगे तो स्कॉर्पियन उसे बचा लेगा। तो देखो यार, हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग सोनिया ब्लेड से जेड को रेड कार्ड दिखाएंगे, जिससे जेड हमें परेशान नहीं करेगी। उसके बाद जेसन को मारेंगे, तो जेसन को जैसे हम मारेंगे वैसे ही स्कॉर्पियन आ जाएगा उसे बचाने के लिए। तो उसके बाद हमें स्कॉर्पियन को टारगेट करना पड़ेगा, और जब तक स्कॉर्पियन डेड नहीं होता तब तक उसे मारना है। तो ये प्लानिंग रहने वाली है, वो अलग बात है कि जैसा प्लान हम करते हैं वैसा कभी होता नहीं है। एंड जेसन और स्कॉर्पियन बहुत ही जल्दी जल्दी पावर जनरेशन करेंगे, प्लस स्कॉर्पियन स्पेशल टू पे हील करता है। तो ये बैटल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो देखते हैं कितने ट्राइज लगते हैं मुझे। तो सबसे पहले इक्विपमेंट चेकआउट कर लेते हैं। रस्टी चेंसो अनब्लॉकेबल के लिए, मिलिट्री भेस्ट क्रिटिकल हिट रिडक्शन और हेल्थ के लिए, ब्लेज लाइफ फोर्स ताकि जो स्टार्टिंग अपोनेंट होगा वो उस पर फायर डॉट डैमेज आ जाएगा। कैसी किच पे सेंटो ब्लेड बॉडी आर्मर एंड T-800 एंडो स्केलेटन। एंड जॉनी केस पे हम यूज कर रहे हैं रिवॉल्वर्स क्रिटिकल हिट के लिए, सावकान हेलमेट एंड बायोनेट। ये कोल्ड वॉर टावर का एक इक्विपमेंट है, तो अगर आपके पास होगा तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स डू दिस। तो अभी इस पे फायर डॉट डैमेज आएगा लाइव, मतलब ब्लेज लाइफ फोर्स के कारण। एंड अब हमें कोशिश करनी है कि किसी भी तरह बहुत ही ज्यादा लो कर देना है जैसन को। स्पेशल अटैक में यूज नहीं कर सकता, मतलब मैं यूज कर सकता हूँ बट मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना स्पेशल अटैक यूज किए इसे हम मार सकें। चलो चलो, स्टन हो गया, हम SP ऑन कर पाएंगे अब। नाइस, स्कॉर्पियन आ गया, अब SP2 करेगा, ब्लॉक कर लेते हैं, हमको पता था। बुरा है, हील हो रहा है आगे। जेड रेड कार्ड, चलो अब जेड डिस्टर्ब नहीं करेगी, SP2 करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिना स्पेशल अटैक के इनको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, खासकर इनके पास इक्विपमेंट है टावर के, और पावर जनरेशन इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। चलो वन डाउन हो गया, अब जल्दी से पावर ड्रेन करना है, बस यूज मत करना SP1, बस 1 सेकेंड, थैंक यू। चलो मर जा, 1 सेकेंड यूज मत करना भाई। ठीक है यार, ड्रेन करना है कैसे भी करके हमको। चलो अब ये डेड हो जाएगा। ठीक है, फाइनल बॉस जेड है। जेड पे हम कॉम्बो एंडर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि हम बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते। ये SP2 करेगी यार, मरना मत, बच गई। जेड पे ना कॉम्बो एंड्रेस कर सकते हैं ना स्पेशल वन कर सकते हैं, एक बार रिस्क लेकर देख लेते हैं क्योंकि उसका SP1 खुलने वाला है। सेट यार, अपडेट हो जाएगा इसके साथ। जॉनी के बच गया, रेवेनेंट ने बचा लिया। ओके, ऐसी डेड बच गए। ओह थैंक यू, अच्छा वही बैठने किया, नहीं तो मेरा हालत खराब हो जाता। चलो सोनिया ब्लेड का एक्सरे खुल गया है, तो मर जानी चाहिए प्रॉबली। थैंक यू, चलो हो गया यार, ये बैटल सीरियसली काफी ज्यादा हार्ड था। अगर वहां पे स्कॉर्पियन अपना SP2 या SP1 कर लेता ना तो हम डेड थे, ये बैटल कंप्लीट नहीं होता। और इसके बदले हमें क्या मिलते, चिल्लर। ग्रेट गेम, वाह, इसीलिए तो खेल रहे इस गेम को हम, क्योंकि हमें कुछ चिल्लर मिल पाए। ठीक है गाइज, तो अगर आप इस बैटल को कम्प्लीट नहीं कर पा रहे थे तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। मुझे पता है 2 3 4 5 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्राइज लगेंगे, बट आप कम्प्लीट कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप पे।
एंड बैटल 180 अगर आज रात तक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो मैं अपलोड कर दूंगा। बात है कि यहाँ सुबह से बारिश हो रही है तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो ठीक है यार, आज की वीडियो फिर यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।